आज हम राम पोथिनानी और नितिन की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2023 से लेकर 2024 तक आने वाली है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, राम पोथिनानी और नितिन साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टरों में से हैं, जिनकी फिल्में साउथ में तो पसंद की जाती ही है, लेकिन इनकी फिल्में हिंदी बेल्ट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। इनकी फिल्मों को यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इनकी कुछ फिल्में हिंदी में भी आने वाली है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं किया है, लेकिन इनकी आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि इन दोनों की काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। तो चलिए देखते हैं। वैसे आप सभी को इन दोनों में से कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, आप सभी को लिखकर बताना है, नितिन या राम, लिखकर बताओ कमेंट सेक्शन में। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा हटके हूँ, डायरेक्ट एक्शन। तो चलिए सबसे पहले नितिन की आने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं। नंबर वन पे नितिन 32। ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसका डायरेक्शन वकंत मोमसी कर रहे हैं, जो कि ना पेरू सूर्या और ना इल्लू इंडिया जैसी फिल्म को बना चुके हैं। जो फिल्म हिंदी में सूर्या द सोल्जर नाम से रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, लेकिन फिल्म काफ़ी अच्छी थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन दिखाई दिए थे। इस फिल्म का टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म में नितिन बहुत ही अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में नितिन के साथ टॉलीवुड की लेटेस्ट सेंसेशन श्रीलीला दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। ये फिल्म इस साल आने वाली है थिएटर्स में। नंबर टू पे एक अनटाइटल फिल्म। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म में हम सभी को एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। इस फिल्म का टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। अनाउंसमेंट वीडियो देखने में गजब का लग रहा है, साथ में फनी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है अनाउंसमेंट वीडियो। इस फिल्म में नितिन के साथ नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाली हैं। वहीं फिल्म को डायरेक्शन वेंकी कोडुमुला देंगे, जो कि भीष्मा जैसे सुपर हिट फिल्म ऑलरेडी कर चुके हैं नितिन और रश्मिका के साथ। इस फिल्म में म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार का होगा। फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले तैयार किया जाने वाला है। ये फिल्म इस साल आने वाली है, जी हाँ, और इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इंटरेस्टिंग ऑन द ब्रो टाइटल एंटी टाइटल एंटी टाइटल। हाँ। नंबर थ्री पे एक्टर नितिन की पॉपुलर प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ भी एक फिल्म आने वाली है। इस फिल्म में नितिन लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म को डायरेक्शन वेन्यू श्रीराम देने वाले हैं, जो कि पवन कल्याण के साथ वकील साहब और नेचुरल स्टार नानी के साथ एमसीए जैसी बड़ी हिट फिल्म बना चुके हैं। वैसे इस फिल्म की शूटिंग दशहरे से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म दशहरे तक फ्लोर पर जाने वाली है। इस फिल्म का टाइटल रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MCA 2 हो सकता है, मतलब ये फिल्म MCA का सीक्वल होने वाली है। ये फिल्म हम सभी को 2024 तक देखने को मिलने वाली है। बच गए ना पोंगे। तो चलिए अब राम पोथिनानी की आने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं। नंबर वन पे बोयापति रैपो। ये फिल्म राम पोथिनानी की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में राम पोथिनानी के साथ श्रीलीला दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को मास डायरेक्टर बोयापति श्रीनो डायरेक्ट किए हैं, जो कि अखंडा, सराय नायडू जैसी बड़ी हिट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म में राम पोथिनानी काफ़ी मास अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में म्यूजिक एस थमन का होने वाला है। ये मच अवेटेड फिल्म 20 अक्टूबर 2023 के मौके पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में आने वाली है। नंबर टू पर डबल स्मार्ट। ये फिल्म 2019 में सुपर डुपर हिट फिल्म स्मार्ट शंकर का सीक्वल होने वाली है। इस फिल्म के सीक्वल का टाइटल डबल स्मार्ट पूरी जगन्नाथ काफ़ी पहले रजिस्टर करा चुके हैं। जी हाँ, 2019 में आई स्मार्ट शंकर का सीक्वल आने वाला है। स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑडियंस से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था। इस फिल्म की स्टोरी, कॉन्सेप्ट, एक्शन, राम पोथिनानी की परफॉर्मेंस सभी को काफ़ी अच्छी लगी थी। इसी वजह से ये फिल्म एक मैसिव हिट फिल्म साबित हुई थी। स्मार्ट शंकर फिल्म में राम पोथिनानी के साथ नाभा नाटेश और निधि अग्रवाल जैसी एक्ट्रेस दिखाई दी थी। डबल स्मार्ट फिल्म में हम सभी को राम पोथिनानी लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्शन पूरी जगन्नाथ ही देने वाले हैं। ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। वैसे ये फिल्म तेलुगु के साथ साथ हिंदी और बहुत सारी भाषाओं में आ सकती है। नंबर थ्री पे है राम पोथिनानी के डायरेक्टर हरीश शंकर के साथ भी एक फिल्म आ सकती है। डायरेक्टर हरीश शंकर कन्फर्म किए थे कि उनकी राम के साथ एक बड़ी फिल्म आने वाली है। वैसे हरीश शंकर DJ और गब्बर सिंह जैसी बड़ी हिट मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए इस कोलेब्रेशन के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये थे नितिन और राम की आने वाली सारी के सारी फिल्में। तो आप सभी लोग इस फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई भी टॉपिक का सजेशन हो तो प्लीज़ लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया।